हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंट राइटर क्लास के बारे में, राइट? सो फाइल हैंडलिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बफर्ड राइटर क्लास क्या होता है, बफर्ड रीडर क्लास क्या होता है, ठीक है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली पूछा जाता है इंटरव्यू में। फाइल हैंडलिंग चैप्टर जो है जावा के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है पॉइंट? फाइल कैसे क्रिएट करना है, फाइल में डेटा किस तरीके से राइट करना है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग प्रिंट राइटर क्लास के बारे में। इससे पहले जो हमने डेटा राइट करने के लिए यूज किया था बफर्ड राइटर क्लास। बफर्ड राइटर क्लास क्या करता था, कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा को क्या करता था, राइट करता था फाइलें। तो बट प्रिंट राइटर क्लास क्या करता है कि आप जिस फॉर्म में डेटा दोगे उसी फॉर्म में राइट कर देगा, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था कि अगर जहां हम कोई नंबर दिए, सपोज करो ए का मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 97, ठीक है, ये हम राइट करना चाहते हैं फाइल फाइल के अंदर यूजिंग बफर राइटर क्लास को यूज करके। इसके जो ये जो वैल्यू है ये राइट नहीं होगा, इसके जगह पे आपका ए राइट हो जाएगा फाइल के अंदर, क्योंकि ए का स्काई कोड वैल्यू क्या होता है, आस्की कोड वैल्यू 97। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा को राइट करता था कौन, बफर्ड राइटर क्लास। बट प्रिंट राइटर क्लास क्या कहता है कि आप अगर जहां 97 दे रहे हो तो फाइल के अंदर 97 ही राइट हो जाएगा, चाहे आप कैरेक्टर दे रहे हो, डबल दे रहे हो, स्ट्रिंग दे रहे हो, जिस फॉर्म में डेटा दोगे उसी फॉर्म में राइट हो जाएगा, वो बेसिकली कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट? तो प्रिंट राइटर क्लास का बहुत यूज है कि आप जिस फॉर्मेट में दोगे इसी फॉर्मेट में राइट हो जाएगा, तो रीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है डेटा, है ना। चलिए हम डेफिनेशन बात करते हैं, देन प्रैक्टिकल बात करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट राइटर क्लास इज अ पार्ट ऑफ द जावा डॉट आईओ पैकेज विच इज यूज फॉर राइटिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू अ फाइल। क्लियर है पॉइंट ना। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइटर क्लास एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंट मैथड्स फॉर राइटिंग वेरियस डेटा टाइप्स इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। क्लियर है पॉइंट ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे एक और लिखा है डेफिनेशन, आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रिंट राइटर इज अ क्लास यूज टू राइट एनी फॉर्म ऑफ डेटा। क्लियर है पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आइदर ऑन द कंसोल और इन अ फाइल इन जावा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो जिस फॉर्मेट में डेटा दोगे उसी फॉर्मेट में राइट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का दिया तो इंटीजर राइट हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का दे देता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया दीपक, तो ये दीपक राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट नहीं हो करेगा, क्योंकि प्रिंट राइटर क्या करता है, क्लास जिस फॉर्म में दोगे उसी फॉर्मेट में राइट कर देगा। बट इससे पहले वाले जितने क्लासेस हमने यूज किया, जैसे फाइल राइटर क्लास, बफर्ड राइटर क्लास, डेटा को राइट करने के लिए फाइल में, वो कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा को राइट करता था, तो कन्वर्ट कर देता था। अगर जब हम कोई नंबर भी स्टोर करवाए ना, इसके जगह पे ए स्टोर करता था, क्योंकि स्मॉल ए का स्की कोड वैल्यू 97 होता है। बट प्रिंट राइटर क्लास ऐसा नहीं है, प्रिंट राइटर में अगर जहाँ आप फाइल में 97 दे रहे हो तो 97 ही स्टोर होगा, आप स्ट्रिंग में नेम पास कर रहे हो तो नेम ही प्रिंट कर देगा, राइट कर देगा आपका फाइल के अंदर, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नेम दिया मैंने प्रिंट डॉट जावा, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जो मैं नेम दे रहा हूँ वही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फाइल हमने क्रिएट कर लिया प्रिंट डॉट जावा, और इम्पोर्ट कर लो आप जावा डॉट आईओ पैकेज, देन क्लास बना लो, क्लास का नेम माई फाइल कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। देन मेन मेथड प्रिंट राइटर, ठीक है, पी डब्ल्यू इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, ठीक है। और यहां पे हम ए बी सी डॉट टी एक्स टी फाइल का नेम पास कर देते हैं, इसी में हम डेटा राइट करेंगे। देखो हमने यहाँ पे ए बी सी डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट किया है, ठीक है, और इसके अंदर हम डेटा राइट कर देंगे, ठीक है। चलिए पी डब्ल्यू डॉट राइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एल एन मैथड, एल एन मतलब न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा, क्या जो भी हम देंगे वो फाइल में प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, एंड देन नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 इंटीजर टाइप का, एंड देन नेक्स्ट दे देता हूँ मैं डबल टाइप का 10.5, ठीक है,
एंड देन ये चीजें, बस इतना सा हम राइट करके देखते हैं फाइल में, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। एक एरर आएगा यहाँ पे, फाइल बेसिकली फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लगाना है, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। या तो ट्राई कैच के साथ कर सकते हो, ये दोनों तरीका है, मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में। सीडी डेस्कटॉप पे जाना, पहले डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है जावा नाम का, जावा सी प्रिंट डॉट जावा फाइल का नेम है, देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई फाइल। चलिए अब देखते हैं फाइल में राइट हुआ कि नहीं। देखो अभी तक तो राइट नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे है फाइल, राइट नहीं हुआ। चलो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पी डब्ल्यू डॉट प्लस मेथड को यूज करोगे, देन फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल काम करने के बाद क्लोज कर दोगे। प्लस मेथड क्या होता है ये भी डिस्कस किया है हमने, एक बार कंपाइल करके फिर से चला लेता हूँ, देखते हैं रेड डेटा राइट हुआ कि नहीं। देखो राइट हो गया, हुआ ना, देख लो यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। तो आप जिस फॉर्मेट में डेटा दिया, जिसको मैंने दीपक दिया, 10 दिया, 10.5, ये देखो उसी फॉर्मेट में डेटा आपका फाइल के अंदर राइट हो गया, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंट राइटर क्लास यूज करते हैं, आप जिस फॉर्मेट में डेटा दोगे उसी फॉर्मेट में राइट हो जाएगा, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो जाएगा ना, कोई भी आसानी से समझ सकता है इसको, ठीक है ना। और फ्लश मेथड क्या करता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि डेटा आपका लाइन बाय लाइन जो भी दे रहे हो आपका फाइल में राइट हो जाए, क्लियर है पॉइंट। तो ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। एग्जाम्पल नंबर टू, मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, या तो यहाँ पे आप थ्रोज ये कीवर्ड नहीं लगाना चाहते हो, नहीं लगाओ, थ्रोज के साथ आप हैंडल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो आप यूज कर सकते हो थ्रोज कीवर्ड, नहीं तो ट्राई कैच भी कर सकते हो, देख लो मैं करके दिखा देता हूँ। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, चलिए अब मैं फिर से उसको कंपाइल कर लेता हूँ। देखो अब ये चल रहा है आपका, लेट मी चेक, ये देखो चल रहा है, क्लियर है पॉइंट। अब अगर जहाँ यूजर से इनपुट लेके आप चाहते हो कि फाइल के अंदर डेटा राइट करें, वो भी कर सकते हो, देखो वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास को, एंड देन यहाँ पे इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर इनपुट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यहाँ पे लिखोगे। चल अब मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर, कोई स्ट्रिंग इंटर करवा देता हूँ, ठीक है, इंटर नेम ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे इंटर करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में रख लेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड को यूज करें, ठीक। और ये वाले रेफरेंस वेरिएबल आप यहाँ पे पास कर दो इस मेथड के अंदर, ठीक है। अभी एक देखते हैं कि हम नेम कुछ भी देते हैं, ये तो डेटा राइट होगा, अब ये चाहते हैं जो भी नेम दे यूजर से इनपुट करे वो राइट हो जाए, लेट मी चेक चलता है कि नहीं। देखो कंपाइल्स फाइन, मैंने यहाँ पे दे दिया अनु, चलो देखो यहाँ पे अनु आ गया और ये आपका जो वैल्यू दिया था वो आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी मैसेज दे सकते हो, देखो यहाँ पे मैं नंबर भी इंटर करवा लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंटर नंबर, ठीक है, कोई नंबर इंटर करेगा और उसको आप ए टाइप के वेरिएबल में रख लो, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, एंड देन यहाँ पे अब पास कर दो आप ए। इसी तरीके से डबल के लिए भी आप मैसेज दे दोगे और उसको डबल टाइप वेरिएबल में रख के यहाँ पे वेरिएबल पास कर दो, है ना, क्लियर है पॉइंट। कैरेक्टर टाइप भी कर सकते हो, सारा कर सकते हो, जिस फॉर्मेट में डेटा दोगे उसी फॉर्मेट में राइट हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ नेम, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ दीपक, नंबर दे दिया डबल वन, चलिए देखते हैं, देखो दीपक डबल वन, और ये ऑलरेडी पहले दिया हूँ वो आपका राइट हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो डेटा राइट हो गया, अगर चाहते हो डेटा ओवर राइट हो जाए, जो पहले डेटा मैंने राइट किया वो भी रहे और जो अभी रिपीट राइट कर रहा हूँ वो भी रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे पास कर दोगे ट्रू, ट्रू पास कर दो, ये अपेंड का काम करता है, उसमें ही ऐड कर देगा। चलो देखते हैं,
ट्रू ट्रू ट्रू, कहाँ है बुलियन वैल्यू? इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लिव इट। इसके लिए फाइल का ऑब्जेक्ट बना के कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो। फाइल फाइल का नेम है जावा माई फाइल, नेम दे दिया ईश्वर अनु, नंबर दे दिया मैंने 22। देखते हैं राइट हुआ कि नहीं, देखो क्लियर है पॉइंट, डन। चलो तो ये है आपका यूजिंग प्रिंट राइटर क्लास। आई होप क्लियर कि प्रिंट राइटर क्लास क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रिंट राइटर क्लास क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फाइल राइटर क्लास क्या होता है, फाइल रीडर क्लास क्या होता है, बफर्ड राइटर क्लास क्या होता है, बफर्ड रीडर क्लास क्या होता है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल कवर किया था। ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछा जाता है, जावा की प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पज। इसके कुछ मैथड्स भी होते हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तब तक इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।